हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। यदि पुल को पार करने में 76 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई, तो पुल को पार करने में कितने सेकंड? 76, 76 माइनस 33, तो 6 में से 3 चला जाएगा 3 और 7 में से 3 चला जाएगा 4। 473 बटा 43 इंटू ट्रेन की लंबाई 33 सेकंड में पार करती है उसको सिग्नल को, तो 33 ये इसे चला जाएगा 11 बार, 11 इंटू 33, 330 प्लस 33 363 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, 0.732222, तो ये हो जाएगा 0.732 के ऊपर बार, तो पूरी संख्या लिख देंगे 732 माइनस 732 माइनस 7373 बटा 9900 जितने के ऊपर बार है उसका 9, जितने के ऊपर बार नहीं उसका 00, तो ये हो जाएगा 732 में से 73 चला जाएगा, तो 600 बटा 900। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, चार साल के बाद राशि का पता लगाइए। 13% साधारण ब्याज के तहत 6050 की राशि, तो मूलधन 4650 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 3 15, 2 से ये 2 बार, ये हो जाएगा 13 दुना 26 इंटू 93, 26 इंटू 93 हो जाएगा ब्याज, तो 93 को 26 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 का 8, हासिल की 1, 9 6 54 और 6 60, 60 रहेगी 61 का 1, हासिल की 6, 9 दुना 18, 18 6 24, 2418 रुपये ब्याज हो गया, और राशि थी 4650 प्लस 2418, तो 8 5 1 6 6 4 10 का 0, हासिल की 1 4 3 7, 7068। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 90 सेंटीमीटर है। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू 90 इंटू 90, तो ये चला जाएगा इससे 45, इससे 45, तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2025 √3। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, तो दोनों साइड के रूट हट जाएगा, तो 632 माइनस अक्ष बराबर 150 माइनस 6, तो माइनस का अक्ष बराबर हो जाएगा 150 माइनस 600 माइनस 632 माइन, ये हो जाएगा अक्ष बराबर 488। आगे देखे स्टूडेंट, छठवा क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 185 सेमी है और इसकी इसका विकिरण 481 सेंटीमीटर, तो विकिरण है इसका 481,
481 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 185। तो 481 का स्क्वायर रूट 481 का स्क्वायर माइनस 185 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा 666 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 296, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 444 मीटर, 444 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पूरा दो कोष्टक, ये हो जाएगा 402 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो कोष्टक ये हो जाएगा 629, ये हो जाएगा 1258 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, दो नंबर का एलसीएम 171 और एचसीएफ 19 है, उनमें से एक संख्या 19 तो दूसरी संख्या, तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो पहली संख्या कितनी है 19, दूसरी संख्या अक्स पूछा है, एलसीएम आ गया 171 इंटू 19, तो 19 से 19 चला जाएगा, अक्स बराबर 171, दूसरी संख्या हो जाएगी 171। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 752 से बढ़कर 815 कर दी गई, 752 से बढ़कर 752 से बढ़कर 815 कितनी बढ़ गई, 752 से बढ़कर 815 कर दी गई, तो कितनी बढ़ गई 815 माइनस 752, 3 ऊपर आ जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, 163, 163 बटा कितना कम करना है 815 में से कम करना है और प्रतिशत, तो ये चला जाएगा इससे, ये पॉइंटेड जाएगा इधर आ जाएगा 20%। आगे देखें स्टूडेंट्स, राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम था, 100 किलोग्राम था, 11 इंटू 100 कुल वजन था उनका 1100, तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, कोच का वजन क्या है, तो 12 हो जाएंगे तो उसका 1 किलो बढ़ जाएगा 101, 12 इंटू 101, तो 101 इंटू 12 202 इंटू 101 1212 में से 1100 चला जाएगा, 1212 में से अगर 1100 चला जाएगा तो कितना हो गया, 1212 में से 1100 चला जाएगा तो 211, कोच का वजन 112 केजी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 7 संख्याओं का औसत 143 था, 7 संख्याओं का औसत 143 था, एक संख्या कटौती कर दिए 6 कर दिए, फिर भी औसत 143 ही रहा, तो संख्या कौन सी थी 143। आगे देखें स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, 45 मीटर प्रति सेकंड से चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई 45 मीटर प्रति सेकंड, तो 45 इंटू 12 सेकंड में, 45 इंटू 12 450 प्लस 90 540 मीटर लंबी, 540 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। आगे देखें स्टूडेंट्स, सिंपल करें 83 माइनस बड़ा कोष्टक 46, 83 माइनस बड़ा कोष्टक 46 माइनस छोटा कोष्टक इधर आ जाएगा 11 माइनस 20 माइनस 12 भाग 8 और कोष्टक हो गया 83 माइनस बड़ा कोष्टक 46 माइनस
बड़ा कोष्टक 46 माइनस ये हो जाएगा 20 में से 12 चला जाएगा 8, 8 में 8 का भाग देंगे 1, 11 में से 1 चला जाएगा 10, 46 माइनस 10 से 46 माइनस 10 83 माइनस 36 बराबर आ जाएगा 47। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 था। अल्फा अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात कितना था? 2:5 था। उनकी उम्र 231, 231 बटा अनुपातों का योग 3 और 4 7, तो 7 या 21, 7 या 21। उनकी आयु का बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कितने हो गया? -3 का, 3 इंटू 33 99 वर्ष का अंतर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मिनल को 4 परीक्षाओं का औसतन 80 अंक चाहिए। 80 अंक, 4 का कितना चाहिए उसको? 80 अंक। 8 चौक 32, 320 अंक चाहिए। उसने कितने अंक प्राप्त किए? 81, 77 और 73। 81, 73, तो कितना? 7 और 3 10 11 का 1 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 7, 16 और 7 23, तो 320 में से उसने कितने अंक? 231 प्राप्त किए, तो 10, 10 में से 1 चला जाएगा 9, इधर हो जाएगा 11, 11 में से 3 चला जाएगा 89, 89 नंबर उसे और चाहिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 80% में से 75%, 80% में से 80% 80 अक्ष का 80/100 में से 75 3/4 से 66, 66 का हो जाएगा 2/3 में 25% 1/4 बराबर 6,343। तो 3 से 3 चला जाएगा, 0 से 0, 4 से 2 बार, 2 दूनी 4 से 4, अक्ष बराबर 6,343 इंटू 10 का 40%, 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 4 चौक 16, 17 का 7 हासिल की 1, 4 3 12 एक 13 का 3 हासिल की 1, 6 चौका 24 एक 25, अक्ष बराबर 25,372। आगे देखिए स्टूडेंट्स, किसी समचतुर्भुज के विकिरण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल, तो 1/2 × 4 × 12, 2 से 2 बार, 12 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के किनारे 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है और परिधि 532 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा पूरी कितनी है? 532 बटा अनुपातों का योग 5 और 4 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 3 42, 11 14 अंटे 112, ये हो जाएगा अक्ष बराबर 38, अक्ष बराबर 38, तो सबसे छोटी भुजा 2 × 38 = 76। आगे देखे स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, जब एक आइटम को 391 में बेचा जाता है तो 15% का नुकसान होता है। 100% का है उसको 15% नुकसान पे, मतलब 85% में बेच रहा है, रुपए में कितना बेच रहा है? 391 बटा 85 इंटू
391 बटा 85 इंटू 100, तो ये चला जाएगा 17 से, ये चला जाएगा 20 से, 17 दुना 34, 70 51, 23 इंटू 20, 23 इंटू 20 460 उसका क्रय मूल्य हो गया। आगे देखे स्टूडेंट्स, दुकानदार ने 390 में एक चीज खरीदी और 312 में बेच दिया घाटे का प्रतिशत, तो 300 कितने में खरीदा दुकानदार ने 90 में और बेचा कितने में 312 में, तो कितने कम में बेचा 78 रुपए में बेचा, कितने पर होगा काठा 390 पे इंटू 100, 0 से 0 78 में 39 से चला जाएगा दो बार, 20% की हानि। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज के 12% की दर से 5 वर्ष में अर्जित 5,520 का पर निवेशित राशि का पता लगाइए, अर्जित ब्याज निवेशित राशि, तो ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज 5,520 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो ये हो जाएगा अक्ष बराबर मूलधन मान लेते हैं 5,520 इंटू 100 बटा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, 5 से चला जाएगा 5 एकम 5, 5 चौका 20, 12 से चला जाएगा 12 नाम है 108, 12 दूना 24, 9,200 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,600 में 2 साल बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो 2 साल का होता है ट्रिक 2 और 1, 10%, तो 16,600 का 10% 1660, 1660 का 10% 166, तो ये हो जाएगा 3320, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3320 और 166, 3320 और 166, 6 2 8 4, 3486 और 16,600 प्लस 3486, तो 86 और 6 और 4 10 का 0 हासिल की 1, 6 और 3 9, 9 10 का 0 हासिल की 1, 1 और 1 2, 20,086 रुपया, 20,086 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, धातु के एक टुकड़े की कीमत 360 से बढ़कर 432 कर दी गई, 360 से बढ़कर कितनी हो गई 432, तो कीमत का अतिरिक्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 432, 360 से बढ़कर 432 कितना बढ़ गया 72, 72 रुपया बढ़ गया, तो 72 बटा कॉस्ट प्राइस 360 इंटू 100, 0 से 0 ये चला जाएगा इससे दो बार, 20% की वृद्धि। आगे देखे स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, सरल कीजिए 19 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 17 बटा, नीचे हो जाएगा 17/2, 17/2 भाग से भाग चला जाएगा 17 इंटू 17 चला जाएगा 19 इंटू 19, 361। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।